ये सैमसंग के दोनों फोल्डेबल फोन्स में से कौन सा इजीली टूट सकता है? दोनों में मेटल फ्रेम के साइड्स हैं, जिस पर इजीली स्क्रैचेस तो नहीं आएंगे बट कोई शार्प ऑब्जेक्ट से ये इस तरह डैमेज हो सकते हैं। और ये दोनों फोन्स के बैक मैट ग्लास पैनल से कवर्ड है जो शार्प ऑब्जेक्ट से भी डैमेज नहीं होंगे। और इस तरह हिंजेस पर रेती डालने के बाद भी फोन्स इजीली फोल्ड होते हैं और कोई भी डर्ट अंदर नहीं जाता। और इस तरह से दोनों फोन्स पर प्रेशर डालने पर भी वो टूटते नहीं और बिल्कुल सही काम करते हैं।